नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। हमने कल एक न्यूज़ स्टोरी चलाया था जिसमें हमने आप लोगों को बताया किस तरह से एबीवीपी ने एक जो है इशू रेज़ किया जो कि अंडमान लॉ कॉलेज से रिलेटेड है, जहां पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एबीवीपी ने ये लेटर लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन के कई सीनियर ऑफिशियल्स को, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल को, और यहाँ तक कि एक FIR के लिए पुलिस स्टेशन में भी एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल किया है उस लॉ कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके ख़िलाफ़। और एबीवीपी का ये कहना है कि उन्होंने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके लिए जो है मुर्दाबाद जैसा जो है शब्द इस्तेमाल किया। और ये जो पूरा कंप्लेन है ये ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑडियो क्लिप, एक छोटा सा ऑडियो क्लिप है जो कि लगता है किसी एक्सटेंडेड ऑडियो क्लिप का एक छोटा सा हिस्सा है, उससे जो है लिया गया है। तो एबीवीपी का स्टैंड था कि ये जो है ये लॉ कॉलेज के लिए ठीक नहीं है, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए ठीक नहीं है। और एबीवीपी जो है इसका बहुत स्ट्रांगली जो है एबीवीपी ने खंडन किया। तो हमारे साथ यहाँ पर देखिए लॉ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आए हैं आज यहाँ पर जो एबीवीपी का स्टैंड है और कल जो सैल्यूट तिरंगा ऑर्गेनाइजेशन ने हमको इंटरव्यू देते हुए इस पूरे मामले में उन्होंने एक्शन की मांग की। उन्होंने ये कहा कि उस असिस्टेंट प्रोफेसर जिसने भी इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उनको जो है सस्पेंड करना चाहिए। उनको अपोज करने के लिए स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम आयुष राज है, मैं अंडमान लॉ कॉलेज थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो क्लास का ये ऑडियो है सर, मैं वो क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा एक घंटा का वीडियो है सर, और एक घंटा का वीडियो में वीडियो था या ऑडियो, वो एक्चुअली आके क्या बोलते हैं ऑडियो है सर। सर वो जो है सर हमें राइट टू प्रोटेस्ट एंड हाउ टू मेक आर पब्लिक ओपिनियन के बारे में क्लास ले रहे थे, क्योंकि हम लॉ स्टूडेंट हैं तो उस वजह से हमें पॉलिटिकल साइंस का क्लास ले रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो केवल यही बता रहे थे कि प्रोटेस्ट करते वक्त लोग अलग अलग नारे लगाकर किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं। उस ऑडियो में सर ने राहुल गांधी का भी नाम लिया, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का भी नाम लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल कहना गलत है कि सर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है या किसी बड़े नेता के खिलाफ है। या मैं सीधी बातें कहना चाहता हूँ सर कि हम एक पॉलिटिकल साइंस और लॉ के स्टूडेंट हैं। मैं आपको सीधी बातें बताना चाहता हूँ कि ये केवल और केवल सर को टारगेट करने का एक पूरा जो है ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है सर को टारगेट करने के लिए। सर को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सर यही चाहते हैं। सर ने उस दिन हमें क्लास में बताया था कि आप किसी भी संगठन से जुड़े हो, आपको सभी लोगों से प्यार करना है, आपको मोहब्बत फैलानी है पूरे देश में, आपको सब व्यक्ति की इज्जत करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि सर जो है एक वेल एजुकेटेड टीचर है, वो मायाबंदर कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, वो लॉ कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि आप जो है मायाबंदर कॉलेज के स्टूडेंट्स से भी पूछ लीजिएगा, उनके ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं है, लेकिन केवल और केवल उनको टारगेट बनाना इसीलिए क्योंकि वो एक अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर है, वो बिल्कुल गलत है। मैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं लॉ कॉलेज के 90% स्टूडेंट्स हमारे सर के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि कॉलेज का भला हो, हम सब पढ़े लिखे और अच्छे एडवोकेट बने, और हम सच्चाई के साथ अपने अंतिम समय तक खड़े रहेंगे, क्योंकि हम एक आने वाले वकील है और आने वाले लीडर्स हैं। मैं सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम आज झूठ के साथ खड़े रह गए तो कल को अगर हम किसी गरीब का केस लड़ेंगे तो हम अब आईने में अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हम आज सच्चाई के साथ खड़े नहीं रहे। तो अभी मैम आपसे जानना चाहेंगे कि एबीवीपी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने हमसे बात करते हुए ये भी बताया कि ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है जो हुआ था, ये जो है जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनका ये रेगुलर अफेयर है कि वो बार बार जो है इसी तरह की बातें करते हैं और एक पर्टिकुलर जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और वो मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट करता है वो बोलते हैं, और जो है किसी को ज़्यादा मार्क्स मिलता है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को कम मार्क्स मिलता है, ऐसा उनका कहना है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? सर ये सरासर झूठ बात है। सर बहुत न्यूट्रल होकर बात करते हैं। सर हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में बात ही नहीं करते पहला बात तो। सर वो जो ऑडियो जो वायरल हुआ है वो
एक पूरा एक घंटा का क्लास का ऑडियो है जो हम रेगुलरली रिकॉर्ड करते हैं, हमारी क्लास से एक दो बच्चे रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम एक घंटे के लेक्चर के बाद में उस चीज़ को हम घर जाके वापस से रिवाइज कर सके। उस ऑडियो को कस्टमाइज करके ऐसे करके सर की डिग्निटी के ऊपर में क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि सर ने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, ऐसा सब कुछ हुआ ही नहीं है। और जो रही बात AVVP के जो बच्चे बोल रहे हैं, AVVP के जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि सर ऐसे रेगुलरली भड़काया करते हैं, सर क्लास में हम बैठते हैं ना सर, क्लास हमारा होता है, हम बैठते हैं एक घंटे की क्लास में, हमें पता है कौन कितना क्या पढ़ाता है, वो आके नहीं देखते। क्या आपके क्लास में जो है सभी जो है AVVP से डीएफिलेटेड लोग हैं कि AVVP के लोग भी आपके क्लास में हैं? AVVP के लोग भी हैं एक दो जन, लेकिन ज़्यादातर नहीं है, एक दो जन ही है सिर्फ। और आपने जो बोला ना सर इंटरनल के मार्क्स पे दिखता है, सर ऐसा सब कुछ नहीं है। इवन जो बच्चे फेल हो जाते हैं ना सर, उनको भी सर एक्स्ट्रा 2-3 मार्क्स से पास करते हैं, बॉर्डर मार्क्स देके पास करते हैं ताकि उनका बैक पेपर ना लगे। सर ये सब बहुत झूठ बात बोला जा रहा है सर के खिलाफ। तो मैम अभी आपसे जानना चाहेंगे और एक बात जो है वो सामने आ रही थी कि जो ये प्रोफेसर हैं जिनके बारे में AVVP ने कंप्लेन किया है, वो स्टूडेंट्स को जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है उनके फूड हैबिट्स के बारे में जो है कमेंट करते हैं कि ये क्यों नहीं खाते, मैं खाता हूँ तो आप भी खाओ, क्या ऐसा कुछ है, कभी आपने ऐसा सुना है? सर अभी हम ये बोलते हैं ना कि टीचर्स माँ बाप के समान होते हैं, माँ बाप हमें बोलते हैं ना बच्चा ये मत खाओ बीमार हो जाओगे, तो सर ने हमें कभी ये नहीं बोला कि ये मत करो वो मत करो, सर हमें सलाह देते हैं। सर ने कभी किसी पार्टी को कुछ गलत नहीं बोला, सर कोई पार्टी को मानते भी नहीं है, सर कोई धर्म को नहीं कुछ नहीं, सर हमें जब भी कुछ कहा, और ये जो भी एलिगेशन सर पे लगा है वो एकदम गलत है, सर ऐसा कभी नहीं करते हैं। और सर इतने एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड सर है वो, और उन पे जो इतने बुरे एलिगेशंस लग रहे हैं ये सरासर गलत है। और जो लोग भी इसके सपोर्ट में आए हैं, हम जैसे कि सर के अगेंस्ट जो लोग गए हैं बोल रहे हैं सर गलत है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि उनको भी सर ने पढ़ाया है, वो माता पिता के समान, उनको आप कैसे गलत बोल सकते हो, सर गलत नहीं है उस जगह पे। और जहाँ से बात ये लीक वाला है सर, मैं बताना चाहूँगी कि ये मैटर, ये ऑडियो 3rd सेमेस्टर का हमारा और अब हम 5th सेमेस्टर में, सर 1 ईयर हो चुका है इस मैटर को, तो क्यों अब ये लीक हुआ? इसका रीज़न ये है कि जब मंडे को जिस दिन ये मैटर लीक हुआ उस दिन हमारे सर पे क्लास लोकनाथन सर ने क्लास में आकर ये कहा कि बेटा आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद कि आप कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया, सर ने ये कहा कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हो तो उसके आइडियोलॉजी के बारे में जानो, वो सही है गलत है, सर हमारे भले के लिए वो चीज़ समझा रहे थे, बट कुछ लोगों को वो खटक गया, इसीलिए उसी दिन शाम को ये वीडियो लीक हुआ। तो सर के ऊपर जितने एलिगेशन है वो गलत है और हम सर के साथ खड़े हैं, अगर आप अगेंस्ट हो तो हम सर के साथ खड़े हैं, सत्य की हमेशा जीत होगी। तो ये जो ऑडियो अभी लीक हुआ है ये आप बता रहे हैं कि आपका 3rd सेमेस्टर का है और अभी आप जो 5th सेमेस्टर में हैं, तो क्या इस ऑडियो का जो ओरिजिनल कॉपी है वो आप लोगों में से किसी के पास है? नहीं, हमारे पास नहीं है क्योंकि हम रिकॉर्ड नहीं करते है, कुछ एक या दो बच्चे हैं जो ये रिकॉर्ड करते हैं। क्या आपने पता किया किसी के पास क्या ये ऑडियो का क्लिप अवेलेबल है, फुल लेंथ जो क्लिप आप बोल रहे हैं 1.5 घंटे का या 1 घंटे का? बताना चाहूँगा, एक हमारी क्लास के एक छात्र को एक व्यक्ति ने कॉल किया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं लोगों का नाम लेते हैं तो डिफेमेशन है, केस कर देंगे मेरे। मैं सीधी बात कहना चाहूँगा, उनको कॉल करके बोला गया मेरा पास 1 घंटा का ऑडियो है और वो 1 घंटा का ऑडियो से हम काटा है, तो मैं बोलना चाहता हूँ और मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने भी किया है वो सामने आके कहे, अगर आपको लगता है सर गलत कर रहे हैं तो आप सामने आके कहिए, लेकिन क्योंकि हम क्लास में थे और हम जानते हैं और हमें यहाँ पे सर ने नहीं भेजा है, हमने खुद से आपको कॉल करके यहाँ पे बुलाया। भैया मैं यही कहना चाहता हूँ भैया कि जो भी ये लोग मुद्दा बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि सर जो है सभी छात्रों को अच्छा से पढ़ाते हैं और सर जो है सर सभी छात्रों को बस यही कहते हैं कि लोगों सारे कितने भी लोग आपके भारत में उन सब के लिए खड़े रहो, उन सब की बातें करो, तो यही बात है सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी छात्र मौजूद हैं इनका कहना है कि जो इनके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो इनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं उनका कोई भी दोष नहीं है, उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एग्जांपल दिया और कई पॉलिटिकल लीडर्स का नाम लिया और इन नारों के साथ ही नाम लिया जो नेगेटिव नारे हैं जैसे कि मुर्दाबाद, कई पॉलिटिकल लीडर्स का नाम लिया, सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया।
और उनमें उस पूरे ऑडियो से जो एक डेढ़ घंटा का ऑडियो है जो ये लोग रिवीजन के लिए बनाते हैं ताकि ये घर जाके रिवाइज कर सके कि टीचर ने क्या इनको यहाँ पर पढ़ाया है, उस ऑडियो से एक पर्टिकुलर जो है सेक्शन को काटा गया और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि वो जो है नरेंद्र मोदी का बारे में मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया और ये एक पर्टिकुलर इंटेंट के साथ किया गया। ये भी जो ये कह रहे हैं एक हमारा थर्ड सेमेस्टर में एक टॉपिक है पब्लिक ओपिनियन, वही टर्म सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे, किसी ने राहुल जी को बोला गलत, किसी ने ऐसे, सब अपना अपना हम लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे। डिस्कशन चल रहा था क्लास में हर चीज़ के बारे में अपना अपना ओपिनियन, पॉलिटिकल विदाउट एग्जाम्पल नहीं होता है, तो सर एक एग्जाम्पल से समझा रहे थे और उस ऑडियो में ये क्लियरली दिया हुआ है कि सर ने कहा कि लोग ऐसा नारा लगाते हैं मोदी मुर्दाबाद, तो सर का कोई, सर ने ये बोला ही नहीं कि आप वहाँ में जब ऑडियो के ऊपर लिखा था इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट हम भड़का नहीं रहे थे सर, सर बता रहे थे कि ऐसा हो रहा है, तो सर का कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नीचे गिराना। और अच्छा ऑडियो में एक छोटा सा चीज़ सुनाई दे रहा है जहाँ पर कुछ लोग ऑब्जेक्ट भी करते हैं, कुछ बच्चे, कि सिर्फ मोदी मुर्दाबाद क्यों, तो सर बोलते हैं कि जो ये मेरा पर्सनल है, आपका कुछ पर्सनल है तो आप बोलो, ठीक है ना, तो ये जो लाइन था सिर्फ मोदी मुर्दाबाद क्यों, तो क्या ये डिपिक्ट नहीं करता कि सिर्फ मोदी को ही बोला गया, क्योंकि ये इससे मतलब ऐसा लगता है कि मेरा आपको नीचा दिखाने का कोई वो नहीं है, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है पब्लिक को कि सिर्फ उन्हीं के बारे में बोला गया, तो जो है ज़्यादा लोग जो है इसमें अपना प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। सर पूरे के पूरे एक घंटे के क्लास में हम अटेंड कर रहे थे और पूरा का पूरा जो मैटर हुआ है वो हमें पता है, ना कि दूसरे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को पता है, ना कि एबीवीपी के कोई मेंबर को पता है, क्लास अटेंड हम कर रहे थे ना सर, सिलेबस हमारा है और सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हम जानते हैं, तो दूसरे लोग आके क्यों राय दे रहे हैं सर? और सर के पसंदीदा बोले थे, पर्सनली नहीं, उनको है कि मोदी जी पसंद है वैसा वो मीन से बोले थे, अभी जो हमें पसंद है उनके तो हम लोग कह सकते हैं वैसा, तो ये बस एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल लोग गलत समझ रहे हैं, जो भी ऑडियो और वीडियो देखते हैं बराबर वो पहचान सकते हैं कि क्या चल रहा है, और ये है कि इंटेंशन जो वीडियो काट के उन लोग जो ऑडियो काट के बनाए हैं ये है कि सीधा बात इतना ही है कि सर को निकालने मांगते हैं या फिर उनके साथ सर का कोई गर्ज। अभी देखिए बहुत जन को पता है कि स्टडीज़ कैसा हुआ जाता है, सबसे ईजिएस्ट वे ऑफ स्टडी है कि एग्जाम्पल्स, और वो एग्जाम्पल देने में कोई बुराई नहीं है सर, और यहाँ में है कि कोई किसी को गलत या फिर ऐसा मतलब इंटेंशनली नहीं बोले, एग्जाम्पल के थ्रू बोले, और सबको पता है कि वो अगर ऑडियो आप क्लीन से सुने हैं तो आपको ही पता होगा ये कि राइट टू स्पीच का थ्रू ही है, मतलब उनके पास अगर वो बोले भी होंगे तो ऐसा इंटेंशन से नहीं बोले, एग्जाम्पल के थ्रू बोले, और इसको लेके कोई और है कि ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो वो कि ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, उनको है कि टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू है स्टूडेंट्स को बोले, अपना स्टूडेंट्स है, वो लोग बाहर से आके कोई आके कंप्लेंट करे एफआईआर करे वो नहीं हो सकता, वो सही बात नहीं है। सर आप बताइए कौन सा पॉलिटिकल का पढ़ाई है जो क्रिटिसिज्म के बिना हम पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं सर, कौन सा पॉलिटिकल सब्जेक्ट ही है जिससे आप क्रिटिसिज्म के जरिए आप अच्छे से समझ सकते हो, अगर हम क्रिटिसिज्म को नहीं समझेंगे तो हम पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ सर? साउथ इंडियन है, उनकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, वो हमसे भी कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में ही करते हैं, वो कभी कभार अगर हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें थोड़ा वो होता है, गलत होता है उनसे बोलने के लिए, जैसा अब बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि पर्सनल है लेकिन वो कह रहे थे पसंदीदा, तो उसमें उन्हें बोलने में तकलीफ हुई तो सबको लग रहा है कि वो पर्सनल बोल रहे हैं, और